हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अंतर्गत प्रमेय 10.1 सीखेंगे सिद्ध करने के लिए। आपको पता है कि सिद्ध करने के लिए बिहार बोर्ड में थ्योरम जो पूछे जाते हैं, 5 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम 10.1 प्रमेय देखेंगे किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, यह प्रमेय पहले कहती क्या है इसको समझिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। मान लेते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए बी स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा जब भी स्पर्श करती है एक ही बिंदु पर, जो कि P बिंदु पर स्पर्श किया है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह OP जो है त्रिज्या है, यानी कि OP जो लंब है AB पर है, ठीक है। मान लेते हैं AB स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। यानी कि आपको सिद्ध करके बताना है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ओ पी लंब ए बी होगा। यह सिद्ध करके आपको दिखाना है, ओ पी लंब ए बी, ठीक है। तो पहले भाषा लिख लेते हैं। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा ए बी एक स्पर्श रेखा है। ए बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। पी बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना है ओ पी लंब ए बी, ठीक है। ओ पी लंब ए बी। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको रचना की भी जरूरत पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? बिंदु O से Q तक मिला देंगे, यानी कि O Q को क्या करना है, आपको मिला देना है। जैसे मिलाइएगा तो इस वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, R बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो रचना में क्या किए, ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया। अब देखिए प्रमाण, देखिए पी ओ क्यू त्रिभुज है। इन तीनों त्रिभुज में अगर ओ पी को सबसे छोटी भुजा दिखा देते हो तो ओ पी लंब हो जाएगा ए बी। पी ओ क्यू त्रिभुज में, पी ओ क्यू भुजा में अगर ओ पी को सबसे छोटी भुजा दिखा देते हो तो ओ पी लंब हो जाएगा ए बी। समझ में आया? तो देखिए, और यहाँ पहले देखिए ओ पी बराबर क्या होगा, ओ आर। ओ पी बराबर ओ आर होगा क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी बराबर ओ आर, चूँकि ओ पी बराबर ओ आर, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में वृत्त की त्रिज्या। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक। अब देखिए ओ आर जो है इस ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ओ क्यू बड़ा होगा
किससे? ओ आर से। तो इसको ओ आर बड़ा का चिन्ह इस तरह से दिया जाएगा ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू है, ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, ठीक है। ओ आर के बदले क्या ले सकते हैं? ओ आर के बदले क्या ले सकते हैं? ओ पी, ओ पी बड़ा हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। यानी ओ पी से बड़ा क्या हो गया? ओ क्यू। यही आपको दिखाना था। अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात ओ पी भुजा सबसे छोटी है, अर्थात ओ पी भुजा सबसे छोटी है, इसीलिए ओ पी लंब हो जाएगा ए बी। ओ पी लंब होगा ए बी पर, जो कि यही सिद्ध करके दिखाना था। तो ये 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।